जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग साइंस विज्ञान से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये बिहार पुलिस के लिए रोजाना क्लास टाइमिंग है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। सुबह 10 बजे जो अभी आप लोग कर रहे हैं, ये स्पेशल साइंस विज्ञान का क्लास है। दोपहर 3 बजे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, व्याकरण, प्रीवियस ईयर का अलग अलग क्लास कराया जाता है। फिर रात 8 बजे में क्लास है, ये क्लास आपको लाइव में दिया जाता है। तो आप लोग डेली 3 क्लास को अटेंड कीजिएगा बिहार पुलिस के लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप लोग, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक भी कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि, ठीक है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए स्टोर होता है, तो याद रखिएगा ये यकृत में ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परागण का अर्थ क्या है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। तो साथियों, परागण का अर्थ क्या होता है, याद कर लीजिए, परागधानी से पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा, परागधानी से पराग कण का वर्तिकाग्र पर जाना परागकण कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया प्लेटर्न पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। अच्छा, एक पुस्तक पूछा जाता है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, चार्ल्स डार्विन। टीकाकरण के जनक कौन है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको और बताएंगे, सभी को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आप लोग बताइए, टीकाकरण के जनक कौन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, एडवर्ड जेनर, टीकाकरण के जनक है, ठीक है। अब लैंड डिशनर की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का पता लगाया था कार्ल लैंड डिशनर ने, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रेबीज के टीके की खोज पूछे किसने किया था, तो इसी ने किया था, एडवर्ड जेनर ने। और चेचक के टीके की खोज पूछे तो लुई पास्चर ने, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लुई पास्चर ने क्या किया था, चेचक के टीके की खोज किया था, जबकि एडवर्ड जेनर ने रेबीज के टीके की खोज किया था। अच्छा, पोलियो का टीका किसने खोजा था, यह भी क्वेश्चन बनता है, तो पोलियो का टीका खोजा था जोनास साल्क ने, यहाँ पे लिख देते हैं, जोनास साल्क ने क्या किया था, तो पोलियो टीका का खोज किया था। कीट संवर्धन क्या है, चलिए 5 के लिए आंसर लगाइए, कीट संवर्धन क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को बोला जाता है कीट संवर्धन, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। तो प्यारे साथियों, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग या फिर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। चलिए 7 के लिए आंसर लगाइए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से ही किसका श्रावण होता है, तो वृद्धि हार्मोन का।
भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? चलिए आठ के लिए आंसर लगाइए फटाफट से। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च पूछे विश्व जल दिवस। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। अच्छा देखिए, सी ऑप्शन में अरावली की पहाड़ियाँ, तो याद रखिएगा ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हो जाएगा क्लोरीन के, ठीक है, क्योंकि इन सभी में क्लोरीन पाया जाता है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो आप सभी जानते हैं CaOCl2, देखिए इसमें भी क्लोरीन आ गया। गैमेक्सिन की बात करें तो इसका सूत्र होता है C6H6Cl6, तो देख सकते हैं इसमें भी क्लोरीन आ गया और DDT में भी क्लोरीन आता है, यानी कि गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का इस्तेमाल होता है? आंसर हो जाएगा लोहा का, ठीक है। और अस्थाई चुंबक के लिए पूछे किसका इस्तेमाल होता है, तो इस्पात का। मानव शरीर में अधिकांशतः क्या होता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकांशतः होता है जल, ठीक है, क्या होता है, जल। मच्छर के काटने से निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? आंसर हो जाएगा रेबीज, ये कुत्ते के काटने से होता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो हमने आपको बताया था अभी, एडवर्ड जेनर ने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ उपयोग होता है, जिसको CFC भी बोला जाता है, और इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है, ठीक है। तो इसका उपयोग अधिकतर होता है रेफ्रिजरेटर में, यानी कि फ्रिज में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसी से ओजोन परत को प्रभावित करता है, ठीक है। CFC गैस जो है ये ओजोन परत को सबसे अधिक प्रभावित करता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन सा है? तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। सबसे पहले इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का, और ये घटना कब घटित हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है? चलिए 16 के लिए आंसर लगाइए, ट्राइटियम किसका समस्थानिक होता है? तो अगर आपने हाइड्रोजन बताया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हमने आपको बताया था, पहला होता है H11, इसको बोला जाता है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक है H12, ये क्या है, ड्यूट्रियम है। और तीसरा समस्थानिक है H13, ये क्या है, ट्राइटियम है। और ट्राइटियम समस्थानिक जो है ये रेडियो एक्टिविता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ये क्या करता है, रेडियो सक्रियता को दर्शाता है। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, इस क्वेश्चन को कल रात में भी हमने कवर किया था। और देखिए जो डेली क्लास यहाँ पर करते हैं, आज टोटल 40 प्रश्न हैं, तो पूरा भरोसा आप लोग 40 में से कम 35 से 36 प्रश्न बिल्कुल आराम से सही कर लेंगे, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में कवर किया है। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, तो याद रखिएगा आँखों की, कहाँ की बीमारी है, आँखों की। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना होती है।
इसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा भी बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? सही आंसर है 5 से 6 लीटर लगभग, ठीक है। और मनुष्य के शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो 7%, ठीक है। जितना मनुष्य का भार होता है उसका 7% क्या होता है? खून होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टेड के द्वारा, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है सबसे पहले अवलोकन किया था ऑस्टेड ने। न्यूरॉन किसकी इकाई है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका उत्तक, ठीक है। तंत्रिका उत्तक की इकाई है न्यूरॉन, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया? चलिए ये क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इसे भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा एस चंद्रशेखर के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह कौन सा है? आंसर हो जाएगा थोरियम, और इसका विशाल भंडार कहाँ पर है? केरल में, ठीक है। कहाँ पर है? केरल में। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? तो साथियों, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला जो प्रकाश संवेदी यौगिक होता है, याद रखिएगा, ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? चलिए आंसर लगाइए 26 के लिए। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? आंसर हो जाएगा विटामिन और खनिज, ठीक है। क्या है? विटामिन और खनिज। विटामिन दो प्रकार से है, एक है जल में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन बी और विटामिन सी है, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, और उसके लिए है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। एक तरह से एक ट्रिक है, आपको याद रखना है कीड़ा ये वसा में घुलनशील होता है। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल राइट है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि के अपवर्तन के कारण, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सॉरी, यहाँ पे प्रतिध्वनि है, अपवर्तन नहीं होगा। ध्वनि तरंगों के प्रावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पानी से भरे बर्तन में एक बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ पूरी तरह पिघल जाता है, तो बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बताएंगे बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, ये क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। सार्स बीमारी में ए अक्षर क्या निरूपित करता है? सार्स एक बीमारी का नाम है, जिस प्रकार एड्स एक बीमारी है, और इसमें पूछा जाता है ए का मतलब क्या होता है? तो एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें ए का मतलब एक्वायर्ड होता है। उसी प्रकार सार्स बीमारी में ए का मतलब होता है एक्यूट, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? चलिए आसान क्वेश्चन है, ये गले को प्रभावित करती है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? इसका आंसर है उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होता है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन से रंग का
तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल का, और सबसे कम पूछे तो बैंगनी कलर का। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। और बटे में पूछे तो एक बटे कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3, ये आपका मिलीमीटर है। और इसी को दशमलव में इस रूप में लिखा जाता है 0.001 मिलीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलयता क्या होगी? चलिए 35 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगा, बढ़ती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीरा, ठीक है। कोयला की बात करें तो कोयला 4 प्रकार से है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट, और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पूछे तो पीट कोयला है। इसमें कोयला लिग्नाइट भी आता है और बिटुमिनस भी है, तो ये 4 कोयला का प्रकार है। इसमें से किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला भी बोला जाता है। निम्नांकित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है? तो आपने देखा होगा कार्बनिक यौगिक में कार्बन हमेशा होता है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। सर्पी घर्षण किस प्रकार का घर्षण है? आंसर हो जाएगा गतिज घर्षण, ठीक है। निम्न में संरक्षी बल कौन सा है? आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? इसका सिंपल सा आंसर है गुरुत्व त्वरण, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुरुत्व त्वरण नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र क्या है, उपग्रह है, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के 40 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।